बैक गाइस, और आज हम जा रहे हैं चल जिंदगी का प्रीमियर देखने, जिसमें कुरप्रीत कुग्गी जी, नीरू बाजवा जी, जस बाजवा जी और कुलविंदर बिल्ला जी भी हैं, और हम वहीं पे जाएंगे उनके साथ बैठ के मूवी देखेंगे प्रीमियर के ऊपर, एंड बहुत मजा आएगा। बाहर हो रही है बहुत ज्यादा धूप, और इसलिए मैं पी रहा हूँ ये अपना ड्रिंक जिंजर एले, जो कि है स्क्वेप्स की। मुझे इसका नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता, लेकिन ये बड़ी टेस्टी लगती है, आपको भी ट्राई करनी चाहिए। धूप को एंजॉय करेंगे एंड वेट करेंगे। पापा भी गए हुए हैं किसी काम से बाहर अराउंड 2 घंटे के लिए, और मैं घर पर अकेला बैठा हूँ, बस ऊपर सफाइयाँ चल रही हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ अपनी बुक रीड कर रहा था, एक रिच डैड पुअर डैड, एंड ये पीते पीते इंजॉय करके पियेंगे। और कल से फिर से स्कूल शुरू है, सो अब से आपको हफ्ते के 3 से 4 व्लॉग्स दिख जाएगा करेंगे आराम से, एंड आई होप यू विल एंजॉय दैम। एक्चुअली जो मूवी है ना, ये पंजाबी इमिग्रेंट्स के ऊपर बेस्ड है, कि वहाँ जाके उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और वो क्यों अपने मदरलैंड को मिस करते हैं यहाँ पे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और पंजाबी इंडस्ट्री ना मतलब बहुत टाइम बाद कोई ऐसी इमोशनल मूवी बना रहे हैं जिसके अंदर थोड़े टच हुए। यूजली कॉमेडी या फिर रोमांस वाली मूवीज़ होती हैं या रॉम कॉम्स होती हैं, ये थोड़ी डिफरेंट लाइक सब्जेक्टिव मूवी है थोड़ी सी। तो देखते हैं किस तरह की होगी, मैं आपको रिव्यू भी दे दूंगा, और जिस जिस से मिलेंगे आपको उनसे मिलवा भी देंगे। तो लंच सबसे पहले हम करेंगे पापड़ों को माइक्रोवेव थोड़ी देर के लिए, ताकि पापड़ पापड़ बन जाए, जो लेजर पापड़ होता है ना। उसके अलावा हम खा रहे थे आज राजमा रोटी नॉर्मल बिल्कुल। उसके बाद जाएंगे हम 3 बजे के आसपास जाएंगे मूवी प्रीमियर पे। हमारा मूवी प्रीमियर 3 बजे है ना? नहीं 4 बजे है। 3 बजे? 4 बजे है, 3 बजे जाना पड़ेगा। मुझे मैंने नॉर्थ कंट्री मॉल बताया था ना। नॉर्थ कंट्री मॉल नहीं है, इलांते में है। इलांते में है। तो किसने इनवाइट किया मूवी के उस पे प्रीमियर पे? मुझे कुलविंदर बिल्ला बाजी ने, और जस बाजवा जी ने, भी दिया है, वो दोनों ही दोस्त हैं मेरे। हाँ तो हम अभी उस पर जाने वाले हैं वहाँ पे, और आपको वही मिलते हैं। गाड़ी पार्क हो गई, अब जाएंगे अंदर। ये है बेसिकली सारा, उन्होंने सेटअप कर रखे हैं यहाँ पे पोस्टर के साथ, रेड कारपेट ऑडी 6 के लिए, 6 में ये इसकी स्क्रीनिंग, और रेड कारपेट बिछाने के लिए टेप्स लगा रहे साइड पे उसके लिए। बट अभी कोई भी एक्टर वगैरह कोई कुछ नहीं आया, नहीं अभी के लिए सारे एक्टर्स आने वाले हैं, तो आप उनकी वेट कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। कैसे अपने शोम भाई आ चुके हैं, और आप बताओ आपका मेन काम क्या है यार, आप क्या कर रहे हो? बस बेल ही, कुछ नहीं करना, बस आप मैनेज करते हो, आप ये बताओ कि मैनेज क्या करते हो? मैंने सिक्योरिटी। हाँ सिक्योरिटी मैनेज करते हो, और देखो आपने सिक्योरिटी के लिए अपने वो भी लेके आए हुए हो, कैड बड़ा अपना। फिर हमने पीने के लिए कॉफ़ी ली और थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक लिया मम्मा के लिए, एंड उसके बाद धीरे धीरे करके वहाँ पे रिपोर्टर्स आने लग गए, इंटरव्यूज आने लग गए, और अपना सामान सेटअप करने लगे, क्योंकि थोड़ी देर में एक्टर्स आने वाले थे जिनके इंटरव्यू में आपको आगे दिखाऊंगा। क्या एक्सपेक्टेशन है मूवी से? मेरे को लग रहा है कि बहुत अच्छी होगी, और इमिग्रेंट्स के ऊपर है मूवी ना, और ना मतलब पूरी इमोशनल टच है। मैंने जितना मतलब ट्रेलर देखा है ना, मुझे तो यही लग रहा है कि बहुत अच्छी होगी। फिर मूवी खत्म हो गई और हम देख के बाहर निकल गए, एंड वहाँ पे भी बहुत सारी इंटरव्यूज हो रही थी पोस्ट मूवी, ताकि लोग अपने रिव्यू दे पाएं।
हमने भी एक दो लोगों को रिव्यू दिए और कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाई। एंड उसके बाद हमने थोड़ी बहुत इंटरव्यूज देखी लोगों की, यानी कि एक्टर्स की, कुलविंदर बिल्ला जी की, जसपाजो जी की और इवन गुरप्रीत कुकी जी की भी, बट मैं सबको रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी हर जगह। एंड देन हम खाना खाने गए सोशल के अंदर, जहाँ पे हमने अपने लिए थोड़ा बहुत खाना ऑर्डर करा। अपा हमने भी मूवी देखी, कैसी लगी आपको मूवी? पिक्चर बहुत बढ़िया थी यार। फर्स्ट टाइम मैंने ना पंजाबी पिक्चर इस तरह देखी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, जिसकी ना एंडिंग बहुत रियलिस्टिक करी है और ना फालतू का हंसाया नहीं बिल्कुल भी, और एकदम ना टू द पॉइंट बात करी है, टू द पॉइंट एकदम अपना सब्जेक्ट रखा है और इमोशनली भी थी, थोड़ी फनी भी थी बीच में और काफी होलसम थी। मुझे सबके रोल में, गुरप्रीत कुकी जी का, कुलविंदर बिल्ला, जस बाजवा, सबके रोल बहुत ज्यादा सबके रोल ना मतलब सीरियस भी थे, थोड़े फनी भी थे, कुछ लोग सीरियस बिल्कुल सीरियस ही थे, बट गुरप्रीत कुकी जी का रोल मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट था, उनके ना इमोशन थे, एक्टिंग है बहुत अच्छे निकल गए। हमें मूवी कैसे लगी? बहुत बढ़िया लगी मूवी, इमोशनल बहुत थी और कहीं कुलविंदर बिल्ला जी की कॉमेडी भी बहुत अच्छी थी, मतलब ओवरऑल बहुत ही अच्छी मूवी थी, बहुत इमोशनल थी, रियलिटी बेस्ड है बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छी लगी। जो आजकल इमिग्रेंट्स का हो रहा है ना, इमिग्रेंट्स के साथ है ना, वही रियलिटी दिखाई है और बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स भी थी, और इन्होंने ये कोशिश नहीं की हम हैप्पी एंडिंग कर दें उसको, ऐसे कर दें, लेकिन उन्होंने बिल्कुल रियलिटी दिखाई है जो आजकल हो रहा है। और अभी हमारे सोशल खाना खाने, थोड़ी देर में वो खाना दिखाएंगे फिर करेंगे ब्लॉग को एंड। ये अपना प्लेटर आ चुका है भाई, ऑर्डर क्यों किया था? बस तमन्ना थी। नाम क्या था इसका? ये था कुछ ग्रीन प्लेटर करके कुछ था। ग्रीन सिर्फ एक चीज है इसमें और टेस्टी तो है भाई।